सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम हिंदी का एक नया पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रूनो मिल गया। ब्रूनो एक कुत्ते का नाम है। यह एक पालतू कुत्ता है। इस बालक का नाम संचित है। ब्रूनो संचित का पालतू पशु है। तो चलिए इस पाठ को हम आगे पढ़ते हैं। हमें अपने पालतू पशु से घर के सदस्य की तरह प्यार हो जाता है। जब वह खो जाता है तो क्या होता है, आओ देखकर जान। संचित अपने दादाजी को एक पत्र लिखता है। चलिए इस पत्र को हम पढ़ते हैं। 140 गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह संचित के घर का पता है। दिनांक। आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। दादाजी, आपको याद होगा जब आप पिछली बार हमारे घर आए थे तो हमारे घर में एक पालतू कुत्ता था। मेरा प्यारा कुत्ता ब्रूनो 1 वर्ष का था। जानते हैं, 5 दिन पहले उसे कोई चुरा कर ले गया। मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी याद में रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मुझे उसके बिना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कल रात जब मैं सोया तो मैंने अपने प्यारे कुत्ते को सपने में देखा। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा वह मुझे पुकार रहा है। मेरी नींद खुल गई। आवाज़ सचमुच आ रही थी। मैंने तुरंत मम्मी को उठाया। मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरा प्यारा ब्रूनो दौड़ता हुआ मेरी ओर आ गया। वह मेरे पैरों से चिपक गया। उसे वापस पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने झट से उसे गोद में उठा लिया। माँ ने उसे कटोरी में दूध पीने को दिया। अब हम सब बहुत खुश हैं। दादाजी, आप और दादी जी हमसे मिलने जल्दी से आ जाइए। मैं और ब्रूनो आप दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। दादी जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका पोता संचित। तो बच्चों, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, संचित ने अपने दादाजी को एक पत्र लिखा और उसने अपने दादाजी को बताया कि उसका कुत्ता कैसे चोरी हो गया था और वह कैसे वापस उसके पास आ गया। बच्चों, हमें अपने पालतू पशु के साथ प्यार से रहना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।